तक जो है कम्प्लीटली लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, उसमें किसी भी व्यक्ति के मन में ये आशंका ना हो और ये कंफ्यूजन ना उत्पन्न हो कि लॉकडाउन खुलने वाली है या तमाम एक्टिविटी जो है दुकानों की या ट्रैवलिंग से रिलेटेड वो सब खुल जाएंगी, ऐसी कोई आशंका उत्पन्न ना हो इसको लेकर के सभी अधिकारियों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सेक्टर ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है जो अब लगातार भ्रमण करेंगे, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कराएंगे। यदि कहीं पे अनावश्यक ट्रैवलिंग करने वाले या इधर उधर टहलने वाले लोग मिलते हैं या जो गतिविधियां बिल्कुल भी अलाउ नहीं की गई हैं और उसमें संलिप्त लोग जो हैं इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा, जो वाहन है उसको सील किया जाएगा। उसी को लेकर के मैंने और एसएसपी साहब ने अभी शायद अराउंड से लिया और कुछ ऐसे लोग मिल रहे थे जो इधर उधर टहल रहे थे बिना कारण के, उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए राशन की जो दुकानें हैं जो जनरल स्टोर है मार्केट में वो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक खुल रही हैं, ताकि अगर किसी को लेना हो तो ले सकते हैं। सबके सामने जो है वो होम डिलीवरी का नंबर अपडेट कराया गया है, ताकि अगर किसी को घर से भी मंगाना हो तो मंगा सकते हैं। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो दुकानें हैं उसमें प्रत्येक दिन जो है वो फ्री चावल का वितरण अभी प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो होना है, तो वो दुकानें भी खुली हुई हैं, लेकिन वहाँ पे कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराएंगे और हैंड सैनिटाइजेशन भी कराएंगे, ये आवश्यक है इनको कराना। अब तक सर अपने यहाँ पहचान में कितने लोगों की जांच हो चुकी है सर? देखिए 200 से अधिक सैंपलिंग हम लोग कर चुके हैं लेकिन अभी एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। लगातार जो भी लाइकली केस नज़र आ रहा है उसकी सैंपलिंग कराई जा रही है और उसमें स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में कहीं को दिखा। ये जो लॉकडाउन है इसका हो चुका है, इसको देखते हुए सभी शॉपिंग चार्ट खरीदारों को ये बताया गया है कि दो सवारी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जो गाइडलाइंस आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि मोटरसाइकिल पे कितने लोग बैठना है या कार पे कितने लोग बैठने हैं उसको सख्ती से इंफोर्स करना है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि पास लोगों के पास में है बट पास जिस कार के लिए दिए गए हैं या ड्यूटी के लिए दिए गए हैं उसके अंदर भी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उनसे भी पूछताछ लगातार बैरियर पूरे शहर में हर चौराहे पर बैरियर लगाया गया है और उनसे पूछताछ करके जो उसमें वास्तव में ज़रूरी है उसको मदद की जा रही है, बट जो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर मेंशन भी लिया जा रहा है। और इनोवा डी एम साहब ने भी यहाँ पर कार्रवाई काफ़ी की है और लगातार जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, 400 के ऊपर अब मुकदमे लगभग दर्ज हो चुके हैं और आगे भी हम लोग लॉकडाउन को पूरी स्थिति से इंफोर्स करेंगे। शहर की सीमाओं पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए हमारा शहर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक यहाँ पे एक भी कोरोना वाला जो है लक्षण नहीं मिला है और टेस्टिंग लगातार जारी है। इसको देखते हुए जो हमारे जनपद के आसपास के जनपद हैं उन सभी जनपदों से लगातार बातचीत की जा रही है और बैरियर लगा के रखे हुए हैं, उसमें केवल मालवाहक या जिनके पास परमिशन या पास हैं केवल उन्हीं को पास करने दिया जा रहा है, उसके अलावा किसी को भी पास करना नहीं दिया जा रहा है। सभी पुलिसकर्मियों को इसको दिन रात के लिए ब्रीफ किया गया। प्रवेश प्रारंभ, संपर्क करें महादेवी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज नई आबादी अजीता का नगला आगरा, संपर्क करें 9927087687।